दोस्तों आज की कहानी है, भाभी जी मुझे कन्यादान में सोने के गहने ही चाहिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दुनियादारी निभाते निभाते रोहित उम्र के सटे दशक को पार करने पर पहुंच गया। इस बीस घेरों की मदद और सहारा बनने के चक्कर में अपने उससे सूटते चले गए। पत्नी ऊर्जा भी रोहित की तरह उदार दिल की थी। रिश्तेदारों में उसके आगमन से हलचल मच जाता था। भैया आए रोहित आया, दुल्हीन आई भाभी भाभी, मानो रोहित सगा हो। लेकिन जो सगे थे उनका अंदर से मुंह फूला हुआ था, अपनों का ख्याल नहीं रखता, दूसरों के लिए जान हाजिर कर देता। रोहित को अपनों के इस नाखुशी से फर्क नहीं पड़ता था। आखिर परिवार की एकता से ही समाज में इज्जत बढ़ती है। परिवार के सदस्य या गोत्र के रिश्तेदार रक्त संबंधी होते हैं, फिर जरूरत पर मदद क्यों ना की जाए। वैसे भी भगवान यदि दिए हैं तभी तो वह मदद कर पा रहा है। यदि सभी लोग सिर्फ अपना ही सोचने लगे तो फिर कैसा रिश्ता, कैसा रक्त संबंध। अपने इन्हीं आदर्श विचारों के दम पर रोहित ने एक सुंदर सामाजिक रिश्ता बना लिया था। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो रोहित की बातों को उठाता, ये कोई जबरदस्ती नहीं थी। सभी प्रेमवश रोहित को इज्जत देते थे। दूसरे शब्दों में रोहित लोगों के दिल पर राज कर रहा था। वक्त को समझना, टेढ़ी खीर होती है। जो वक्त आपको लग रहा है कि आपका है, वह कब आपके हाथों से निकल जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। उम्र वक्त की शेरी है। रोहित ने आईने में अपने सफेद होते बाल को देख पत्नी ऊर्जा से कहा, अरे ऊर्जा थोड़ा सिजर देना, क्यों वो देखो ना, कनपट्टी के पास एक दो सफेद बाल दिखने लगे, उसे काट कर हटाना है। लेकिन काटने से अच्छा है डाई कर लीजिए। मुझे बालों को रंगना पसंद नहीं तो रहने दीजिए, ये आपके उम्र की निशानी है। उम्र से पहले बूढ़ा दिखना अच्छा नहीं लगता। ओहो आपको पता है ना, आप रिटायर होने को हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक मेरा एक भी बाल नहीं पका था।
होता है। कुसेक लोगों के बाल देर से पकते हैं, इतने देर से। हाँ, अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सगा भाई का फोन आया। रोहित नेहा का विवाह तय हो गया। मैं चाहता हूँ तुम कुछ सहयोग करो, लेकिन भैया आपको सहयोग की क्या जरूरत? अरे वाह, दुनिया भर के लोगों को मदद करते फिरते हैं और अपनी भतीजी में प्रश्न करते हैं। बड़ी भाभी ने तिक्के स्वर में समक कर फोन पर उलाहना दी। भैया ऐसी बात नहीं है, पर आपने भी कभी हम भाई बहन को देखा नहीं था। अकेले माँ बाबूजी ने हम छोटे भाई बहन को अपना जमा पूंजी बेच कर योग्य बनाया। जब मैं नौकरी में आया तब दोनों छोटे भाई और एक बहन का शादी ब्याह किया। आप तो अपनी खुशी और सुख देखे थे। रोहित ने भाभी की बात पर ध्यान दिए बगैर सीधे भाई से कहा, तो तुम अब छोटे भाई का तो कुछ नहीं कर रही हो? बड़े भाई ने कहा, वे अपने पाप पर खड़े हैं, अब उनको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम अपनी ये सारी संपत्ति माता पर लाद कर ले जाओगे, कौन है भोगने वाला? कुछ गुस्से में बड़े भाई बोले। भाई के शब्द से रोहित के मन में टिस उठा। भाई ने कभी उनकी शुद्धि नहीं ली थी और आज दौलत को देख इतनी बड़ी बात कह दी। उसकी संपत्ति, उसका मन, छोटे भाई बहन के बच्चों में जो बुढ़ापा का सहारा बनेगा उस पर विचार किया जाएगा, मगर भैया भी ना। रोहित आगे किसी भी तरह का आर्गुमेंट करने के बजाय विषय पर आते हुए बोला, कितना चाहिए कितना नहीं, मैंने शादी तय कर दिया। शादी का खर्च तुम्हें उठाना है, मतलब सारा खर्च। अब तक सुख ऊर्जा दोनों भाइयों का वार्तालाप सुनती जा रही थी, मगर सारा खर्च सुन वह रोहित से फोन लेते हुए बोली, भैया जी सारा खर्च हम उठाएंगे, मगर मेरा भी एक शर्त है, कन्यादान हम करेंगे। ये कैसे होगा? मुझे तो सिर्फ एक ही बेटी है। फिर उसके दान का संदेश उसके मामू को हम दे चुके हैं। मामू दान करेगा, अब कैसे उन्हें मना करेंगे? भैया जी यदि आपको मंजूर है तो फिर हम सारा खर्च उठाएंगे, वरना नहीं। ऊर्जा के स्पष्ट निर्णय से रोहित के भाई चुप हो गए और फोन काट दिया। लेकिन संचार में पैसा ही है जो किसी भी निर्णय को पलटने की क्षमता रखता है। रोहित की बड़ी भाभी का कॉल आया। ठीक है रोहित, आप और ऊर्जा नेहा का दान कीजिएगा,
ऊर्जा बहुत खुश हो गई। उसने दान करते वक्त के लिए अपने और रोहित के लिए सुंदर कपड़े लिए। साथ ही नेहा को दान में देने के लिए बढ़िया खूबसूरत बनारसी साड़ी, सोने के गहने और वर के लिए भी सुंदर कपड़े और अंगूठी सैन आदि खरीदे। रोहित बोला, ऊर्जा इतना खर्च कर रही हो, कहलाओगी तो सासी ही। आप समझते नहीं हैं, हमारे धर्म में कन्यादान की बड़ी महिमा है। मुझे जब ये अवसर मिल रहा है तो थोड़ा खर्च हो ही जाएगा तो क्या, तुम ऐसा सोचती हो, मगर मेरी भाभी का विचार छोटा है। उन्हें सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है। भैया का बात सुनी ना छोड़िए, वे बड़े हैं, जो कहा सो कहा। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि हमें कन्यादान का अवसर मिला। रोहित चुप हो गया। वर वधु मंडप पर आ गए दान के लिए। रोहित अपनी पत्नी ऊर्जा के साथ नियम संयम और उपवास रखकर दान की वस्तु के साथ बैठ गया। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई पड़ा। कोई लेडीज कह रही थी, एक बांज द्वारा कन्यादान शुभ नहीं माना जाएगा। तभी दूसरी लेडीज बोली, क्या करिएगा, पैसा का ताकत सभी शुभ अशुभ के परिणाम से ऊपर होता। उसी समय नेहा की माँ से किसी लेडीज ने कहा, आपके भाई नहीं थे जो इस निपुत्र को ये सौभाग्य आप दे दिए। बात है कि दोनों पति पत्नी नेहा के पापा को पोगला, सही शब्द पिग लाना मतलब एक प्रकार से फुसलाना लिए। अब भाइयों के मामले में मैं पड़ती तो सब मुझे दोष देते, अब क्या करे। देखिए, यदि आपके भाई भाभी उपवास किए हुए हो तो आप उनसे ही दान करा दीजिए। लेकिन क्या शुभ अशुभ की सोचिए। नेहा की माँ एक गहरी सांस लेते हुए बोली, गलती तो हो गई, अब कुछ कहूंगी तो जग हसाई हो जाएगी। फिर साहस के साथ वह ऊर्जा के कानों में फुस फुसाई, बहु लोगों का कहना है कि मैं सुन चुकी हूँ जीजी, लोग से पूछिए, एक बाज के धन से बेटी का ब्याह करना क्या शुभ है। ऊर्जा ने अपनी जेठानी का बात काटते हुए कहा। रोहित बोला, भाभी बांझपन लोगों के विचार में है, मैं आज तक खुले दिल से सबकी मदद करता रहा, इसीलिए कन्यादान का सौभाग्य ईश्वर ने मेरे धन के बदले मुझे दिया। अब आप जहाँ दा विचार करना छोड़ रस्म अदायगी पर ध्यान दीजिए। आजू बाजू में खड़ी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और